हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरप्ट साइकिल। तो इंटरप्ट साइकिल मतलब जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, फिर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है और बीच में इंटरप्शन आता है, तो वो इंटरप्ट को कैसे प्रोसेस किया जाता है वो हम लोग देखेंगे इंटरप्ट साइकिल में। तो यहाँ पे एक जो आर है वो इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप है। तो नॉर्मली हम लोग इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए आर का वैल्यू जीरो है, इट मीन्स देयर इज नो इंटरप्ट एग्जिट। मतलब अगर आर का वैल्यू जीरो है तो नो इंटरप्ट एग्जिस्ट, अगर आर का वैल्यू वन है देन देयर इज अ इंटरप्ट। ठीक है, तो पहले आर का वैल्यू जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो इसका मतलब कोई भी इंटरप्ट नहीं है एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंस्ट्रक्शन इज इन एग्जीक्यूशन। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल चल रहा है। तो हम लोग ने क्या किया, वी हैव टू फेच एंड डिकोड द इंस्ट्रक्शन। मतलब पीसी से फेच किए, एआर में स्टोर किए, फिर आई आर में स्टोर किए, वही सब एग्जीक्यूशन हुआ। उसके बाद अगर आपका एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है तो वी कैन एंड अप द प्रोसेस। लेकिन अगर आपका फेच एंड डिकोड के टाइम में आपने एग्जीक्यूशन करके आप उस वैल्यू को इनपुट किए और एक दूसरे फ्लिप फ्लॉप में जो कि इंटरप्ट एनेबल फ्लिप फ्लॉप, वहां पे चेक करने के लिए कि क्या इंटरप्शन है, लेकिन अगर इंटरप्ट नहीं है तो उसका वैल्यू जीरो देगा एज अ आउटपुट एंड वी हैव टू फिनिश द प्रोसेस। लेकिन उसका अगर आउटपुट वन है, इसका मतलब इंटरप्ट है। तो अगर आउटपुट आई एन का वन है तो हम लोग को जाना पड़ेगा इनपुट फ्लिप फ्लॉप में जो कि है एफ जी आई। तो एफ जी आई में आए तो एफ जी आई का अगर आउटपुट जीरो है, मतलब नो इंटरप्ट एग्जिस्ट। अगर एफ जी आई का आउटपुट वन है देन देर इज अ इंटरप्ट। तो हम लोग को आर का वैल्यू वन सेट करना है और उसको प्रोसेस करके एग्जीक्यूशन एंड करना है। तो अगर एफ जी आई का आउटपुट जीरो है तो हम लोग को फिर से एफ जी ओ में जाना पड़ेगा जो कि आउटपुट फ्लिप फ्लॉप है। फिर से अगर उसका आउटपुट जीरो आ रहा है तो कोई इंटरप्ट नहीं है। अगर आउटपुट वन है तो थ्रू आर टेंस टू वन हम लोग को उसको एग्जीक्यूट करके प्रोसेस सेंड करना है एंड वी हैव टू रिटर्न बैक टू इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप। लेकिन अगर आर का वैल्यू इनिशियली ही वन है देन वी हैव टू एंटर टू द इंटरप्ट साइकिल। तो हम लोग को फर्स्ट पेज में क्या करना है, स्टोर रिटर्न एड्रेस इन लोकेशन जीरो। इसका मतलब क्या है कि जो भी इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग को इंटरप्ट मिला उसको हम लोग को एट मेमोरी लोकेशन जीरो स्टोर करना है। उसके बाद ब्रांच टू लोकेशन वन, मतलब लोकेशन वन शुड पॉइंट टू द पीसी प्रोग्राम काउंटर। फिर एंड में आई एन और आर को दोनों को जीरो सेट करके हम लोग को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बंद करके वी हैव टू कम बैक टू फ्लिप फ्लॉप आर।